हेलो दोस्तों, नमस्कार। बिंदास मार्केट ऑफ स्टॉक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जय प्रकाश पावर वेंचर। दोस्तों, जिन लोगों का इस कंपनी में पैसा फंसा हुआ है, उन लोगों के लिए मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा, ठीक है। और इस कंपनी में करोड़ों शेयर उठाए जा रहे हैं, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, करोड़ों शेयर उठाए जा रहे हैं। और ये बात भी रियल है कि इस कंपनी में 13 बैंकों ने पैसा लगा रखा है, ठीक है। और ये तो हम बात करेंगे ही। एक चीज़ होती है कि हमें, अगर बहुत से इन्वेस्टर, रिटेलर इन्वेस्टर ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि कोई ऐसा शेयर हो जिसमें हम पैसा लगाते हैं तो उसके बाद वो ऊपर जाए और हम उसके बाद महीने दो महीने में प्रॉफिट हो जाए तो उसको बुक करके निकल जाएं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो लोग सीखना चाह रहे हैं, उन लोगों के लिए भी, ठीक है। इस वीडियो में मैं ऐसी बहुत सारी चीज़ें बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है और जो कि ज़रूरी है। जब तक आप लर्निंग पे फोकस नहीं दोगे, आप जुए की तरह शेयर मार्केट को ट्रीट करोगे और जो बंदा जुए की तरह ट्रीट करेगा वो पैसा कभी नहीं बना सकता है। सो वीडियो को पूरा देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है। एक बार देखोगे तो आप सच में ये कहोगे कि हाँ, बहुत ही अच्छा वीडियो है, कमेंट करके आप खुद बताओगे। सो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी का मेरे चैनल पर वेलकम है। जो लोग पहले से देखते आ रहे हैं, अगर उन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया चैनल तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो लोग नए आए हुए हैं वो भी अभी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। तो दोस्तों, जैसा कि पता है, जेपी पावर जो है, पावर सेक्टर की कंपनी है। इसके बारे में आपको ज़्यादा कुछ बताना नहीं है। आज मैं आपको इस कंपनी में कुछ अलग बताने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सो मार्केट कैप है इसका 5,654 करोड़ का, और बुक वैल्यू आप देख लेना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, 15 रुपये है। और करंट प्राइस चल रही है इसकी 8.25 रुपये, 8.25 रुपये, ठीक है। इन दोनों चीज़ों को ध्यान रखना, बुक वैल्यू है 15 रुपये और करंट प्राइस है 8.25 रुपये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इस कंपनी की आगे कुछ चीज़ों के बारे में। जैसे कि आप देख पा रहे हो, कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू गिव गुड क्वार्टर, ऐसा माना जा रहा है कि अच्छा रिजल्ट आएगा। कंपनी हैज डिलीवर गुड प्रॉफिट ग्रोथ ओवर लास्ट 5 ईयर, 22% के CAGR से कंपनी पिछले 5 सालों से अपने आप को ग्रो कर रही है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ है। मैं इस कंपनी की पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीज़ बताऊंगा। जैसा कि आप यहां देख पा रहे हो, प्रमोटर हैव प्लस शेयर 87% ऑफ देयर होल्डिंग। प्रमोटर्स के पास जो शेयर हैं उसके 87% शेयर जो है उन्होंने गिरवी रख रखे हैं, ठीक है। तो ये इस कंपनी का बहुत ही वीक पॉइंट है। और प्रमोटर होल्डिंग है डिक्रीज ओवर लास्ट 3 ईयर, पिछले 3 सालों से प्रमोटर भी अपनी होल्डिंग घटाते जा रहे हैं। सो यहाँ पर इसके कॉम्पिटिटर की बात करते हैं तो अडानी ग्रीन, अडानी ट्रांसमिशन, NTPC, ये सब इसके कॉम्पिटिटर हैं। यहाँ पर हम मेन चीज़ देखेंगे सेल्स क्वार्टरली, तो छोड़ो, हम अभी इसमें हम केवल ईयर वाइज देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस क्या कंपनी कर रही है। तो 691 करोड़ से 2010 में थी सेल्स, और आज हो गई है 4175 करोड़। तो ग्रोथ काफ़ी है सेल्स में। और नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो 242 करोड़ का प्रॉफिट था, 242 करोड़ से 321 करोड़ पहुंच गया है। बीच में दोस्तों यहां पर आप देखोगे माइनस में 1233 करोड़, माइनस में 1596 करोड़ पहुंच गया था, लेकिन ये बात है हमारे 2017 और 2018 की। उसके बाद से कंपनी का प्रॉफिट माइनस में भी कम हुआ, लेकिन उसके बाद से प्लस में भी आ गया, ठीक है। तो 2010 में जो 294 करोड़ का प्रॉफिट था वो बढ़कर के 321 करोड़ का हो गया, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे बैलेंस शीट, दोस्तों किसी भी कंपनी की बैलेंस शीट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आपको गौर से देखना। रिजर्व कितना है कंपनी के पास, रिजर्व पड़ा हुआ है 3432 करोड़ का, और बोरोइंग है कंपनी के पास, देख रहा हूँ, 7,045 करोड़ की बोरोइंग थी, लेकिन बीच में 13,000 पहुँच गई, 17, 23, 27, 32 तक पहुँच गई, फिर उसने डिक्रीज की 25, 23, 23, 23 और 5,991 और अभी हो गया 5,171। तो एक बात तो कन्फर्म है कि कंपनी अपनी बोरिंग जो है उसको कम कर रही है, ठीक है। लेकिन इस कंपनी का मार्केट कैप है 5,000 कुछ करोड़ का, और इतनी इस कंपनी के पास बोरिंग है। तो अब आप सोचोगे कि इस कंपनी का जो इतना मार्केट कैप है, इतनी ही बोरिंग, तो इसका मतलब इसके इसके पास कुछ भी नहीं है। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगा टोटल एसेट्स कितने हैं कंपनी के पास, 17,186 करोड़ के टोटल एसेट्स हैं। और मैंने आपको दिखाया था ऊपर कंपनी की बुक वैल्यू है उसकी 15 रुपये है, और करंट प्राइस चल रही है 8.25 रुपये। तो बुक वैल्यू जो होती है दोस्तों, अब बुक वैल्यू का मतलब होता है कंपनी के पास जो टोटल एसेट्स हैं और माइनस टोटल लायबिलिटी करके जो पैसा बनता है उसको, उससे निकाली जाती है बुक वैल्यू, ठीक है। तो कंपनी के पास टोटल एसेट बहुत ज़्यादा है, देखो 17,186 करोड़ का मार्केट कैप है, ठीक है।
अगर कंपनी कल को बंद होती भी है और करंट प्राइस चल रहा है इसका, अभी करंट प्राइस चल रहा है इसका 8.25 रुपये, तो अगर आप लोगों ने 8 रुपये, 10 रुपये, 11 रुपये, 12 रुपये या 13 रुपये पर खरीद रखा होगा, तो भी उन लोगों को बुक वैल्यू के अकॉर्डिंग, अगर कंपनी कल बंद होती है तो दोस्तों बुक वैल्यू इसलिए ज़रूरी होती है कि कंपनी की बुक वैल्यू अगर जितनी कम होती है वो शेयर से, तो वो उतना ही नुकसानदायक नुकसानदायक होती है। अगर बुक वैल्यू ज़्यादा है शेयर की प्राइस से, तो दोस्तों शेयर जो है आपको सही प्राइस पर मिल रहा होता है। तो कंपनी अगर कल को बंद होती है, आप अभी 8.25 रुपये पर खरीद लो, और कंपनी अगर किसी कारणवश बंद होती है, तो आपको कंपनी जो है 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से आपको पैसा देगी, ठीक है। और अगर आपने और महंगा खरीद रखा है, चाहे 100 रुपये, 150 रुपये, तब भी आपको 15 रुपये कंपनी 15 रुपये पर शेयर के हिसाब से ही देगी। सो इसका मतलब जो लोग अभी खरीदना चाहें वो अभी खरीद सकते हैं, क्योंकि अभी कंपनी का जो शेयर है वो ओवरबॉट जोन में नहीं है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखाऊँगा, मेन चीज़ में दिखाऊँगा आपको होल्डिंग। प्रमोटर्स के पास 29% की हिस्सेदार हुआ करती थी, उसमें से 24% रह गई है, वो भी 24% में से 87% शेयर जो हैं उन्होंने प्लेज रखे हुए हैं, गिरवी रखे हुए हैं। अब यहाँ पर मैं दिखाता हूँ 13 बैंकों का इस कंपनी पैसा लगा हुआ है, ICICI बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक, केनरा बैंक, लाइफ इंश्योरेंस LIC का भी है, IDBI बैंक का, यूको बैंक का, यूनाइटेड बैंक का, बैंक ऑफ बड़ौदा, ओरिएंटल बैंक, सिंडिकेट बैंक कॉरपोरेशन, ठीक है, ये सारी 13 बैंक है टोटल। तो 13 बैंकों ने इस कंपनी में पैसा लगा रखा था, लेकिन हुआ क्या, इन 13 बैंकों ने, सबसे मेन बात यह है कि पैसा तो लगाया था 13 बैंकों ने, लेकिन सब ने अपनी हिस्सेदारी डिक्रीज की है। क्या है, डिक्रीज की है, सब ने अपनी हिस्सेदारी देखो घटा रखी है सब ने, सब धीरे धीरे करके इस कंपनी से निकलने की सोच रहे हैं। अब मैं आपको बता दूँ, प्रमोटर्स ने भी इसकी हिस्सेदारी घटाई है, ठीक है, और DI वालों ने भी अपनी हिस्सेदारी घटा दी है, गवर्नमेंट भी बेच के निकल गई है। तो दोस्तों कंपनी का शेयर जो है वो तो बहुत रिस्की है, ये बात तो कंफर्म है, ठीक है। और पब्लिक के पास देखो 19% की हिस्सेदारी से 51% की हिस्सेदारी हो गई है, तो वो भी इसलिए हो गई क्योंकि आपको देखना चाहिए थोड़ा सा किसी शेयर को बाय करने से पहले, पता नहीं क्यों लोग बाग क्यों रिसर्च नहीं करते हैं और अंधे बन के शेयर को बाय करते रहते हैं, ठीक है। अब मैं आपको ले चलता हूँ चार्ट की तरफ, चार्ट पर मैं आपको दिखाऊँगा कि कंपनी का शेयर क्या कह रहा है। देखो एक शेयर की अगर मैं बात करता हूँ इस कंपनी का, तो 1 ईयर में इसने पैसे को 183% का रिटर्न दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पर मैं 5 ईयर का मैक्सिमम चार्ट खोलता हूँ, तो 5 ईयर में 73% का रिटर्न दे रखा है, यहाँ से कंपनी ने रिटर्न देना वापस शुरू कर दिया है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे, यहाँ से आप देखोगे अप्रैल का महीना जो आता है उसके बाद शेयर में तेज़ी देखी जाती है, ठीक है, और उसके बाद तेज़ी देखी जाती है और अप्रैल और दिसंबर के आसपास इसमें तेज़ी देखी जाती है। यहाँ पर आप देखोगे जो कौन सा महीना चल रहा है अप्रैल के बाद, यहाँ पर आप देखोगे अगस्त है ये, तो खैर अप्रैल के बाद अप्रैल मई जून ये यहाँ पर अगस्त में है, और यहाँ पर आप देखोगे दिसंबर, जैसे ही यहाँ पर मार्च अप्रैल आया, सॉरी यहाँ पर आप देखोगे मार्च अप्रैल ये यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है, फिर उसके बाद गिरावट, लेकिन दिसंबर के आसपास, अक्टूबर और जनवरी के आसपास भी तेज़ी देखी जाती है इसमें, ठीक है। यहाँ से आप देखोगे फिर वही बात है, यहाँ पर अगस्त, यहाँ पर आप देखोगे मई के बाद इसमें तेज़ी देखी जा रही है, मार्च अप्रैल मई, ठीक है, यहाँ पर आसपास, फिर यहाँ पर दिसंबर, फिर यहाँ से गिरावट, फिर वही अप्रैल के बाद इसमें तेज़ी देखी जा रही है, फिर गिरावट, फिर दिसंबर, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे 1 ईयर का चार्ट मैं आपको ओपन करके दिखाता हूँ, तो 1 ईयर में भी आप देखोगे यहाँ पर कब है, दिसंबर के आसपास तेज़ी देखी गई है, और यहाँ पर भी देखोगे आप यहाँ पर अप्रैल के बाद में तेज़ी देखी गई, अप्रैल मार्च मई, ठीक है। तो ऐसे ही यहाँ पर आप देख लो, यहाँ पर भी दिसंबर के आसपास तेज़ी देखी गई है। तो अभी कौन सा टाइम चल रहा है, यहाँ पर मैं आपको 6 मंथ का चार्ट ओपन करके दिखा दूँ, तो 6 मंथ के चार्ट में आप देखोगे यहाँ पर अप्रैल ही चल रहा है अभी, जैसे कि आप देख पा रहे हो, तो अप्रैल के बाद से यहाँ पर तेज़ी देखी जा रही है, देख रहे हो यहाँ पर गिरावट हुई थी, लेकिन 1 मंथ का मैं देखता हूँ, तो 1 मंथ में जैसे ही अप्रैल आया है तो शेयर गिरावट के बाद से भागना शुरू कर दिया है। तो यहाँ पर मैं आपको बाय करने की सलाह दूंगा, लेकिन ब्लाइंडली बिलीव किसी पर नहीं करना है, खुद भी रिसर्च करना है आपको, ठीक है। तो जो लोगों का पैसा फंसा हुआ है वो तो केवल होल्ड कर सकते हैं, क्योंकि कंपनी अपने कर्ज को रिड्यूस कर रही है और 5 ईयर से थोड़ा सा रिटर्न बना के भी देर लग गई है, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको कुछ चीज़ें और दिखाना चाहूँगा कि किसी भी शेयर को बाय करने से पहले आपको थोड़ी बहुत रिसर्च तो करनी चाहिए, ठीक है। ब्लाइंडली बिलीव नहीं कर सकती। हाई प्राइस प्रमोटर होल्डिंग, ये तो आपको मैंने पहले ही बता दिया था, और इसके अलावा मैं आपको दिखाऊंगा एंट्री पॉइंट, गुड टाइम टू कंसीडर एज स्टॉक इज नॉट इन ओवरबॉट जोन, ठीक है। तो कंपनी का जो एंट्री टाइम है ना, अगर जो लोग चाह रहे हैं कि हमें कोई ऐसा शेयर मिल जाए
कि हमें दो एक आध दो महीने 2-3 महीने पैसा लगा के उसमें पैसा बन जाए तो निकल जाए। तो ये शेयर मेरे हिसाब से बेस्ट है, आप चाहो तो यहाँ पे लगा सकते हो। ओवरबॉट जोन भी नहीं है और बुक वैल्यू भी कंपनी की अभी ज़्यादा है, ठीक है। और जैसा कि आपने 5 साल के चार्ट में देखा, अप्रैल और दिसंबर के आसपास इसमें तेजी देखी जाती है, ठीक है। सो ये हो गया दोस्तों आज का वीडियो। इसमें आपको कुछ नया सीखने को मिला हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा, जाते जाते एक बार सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।